दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे लोन ऐप का रिव्यू करूंगा, अगर आपकी एज कम है यानी आप 18 साल से लेकर 25 साल के बीच हैं तो फिर भी आपको यहां से लोन मिल जाता है। अगर आप स्टूडेंट है या सैलरीड पर्सन है या आप कॉलेज स्टूडेंट है तो फिर भी यह लोन ऐप आपको लोन दे देता है। अगर आपकी मंथली सैलरी कम है यानी आप महीने के 10,000 रुपये से कम कमाते हैं तो फिर भी यह लोन ऐप आपको लोन दे देता है। इस लोन ऐप में आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेस पर ही लोन मिल जाता है। यह लोन ऐप आपको 500 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड करवाता है और इस लोन ऐप में आपको RBI रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के द्वारा लोन मिलता है। यह लोन ऐप गूगल प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है और इसकी वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह लोन ऐप रियल है या एक फेक लोन ऐप है। पूरी डिटेल के बारे में जानेंगे, क्या कस्टमर केयर का नंबर है, क्या वेबसाइट है, क्या गूगल प्ले स्टोर में यह लोन ऐप अवेलेबल है, कितने टेन्योर के लिए लोन मिल जाता है, कितना इंटरेस्ट रेट पे करना होता है, पूरी डिटेल के बारे में जानेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ mPokket लोन ऐप का डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। अगर आपने कभी भी mPokket लोन ऐप से लोन लिया है तो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर करें। अगर आपको किसी लोन ऐप के बारे में डिटेल रिव्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और लोन ऐप गाइड पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप टाइम पर रीपेमेंट कर सके तो तभी लोन ले, नहीं तो आप इस लोन ऐप के चक्कर में आकर बहुत ही बुरी तरह से फंस जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले गूगल में हम mPokket लोन ऐप सर्च कर लेते हैं। यह इसकी वेबसाइट का लिंक दिया गया है, इसे ओपन कर लेते हैं। यह इसकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है इस लोन ऐप से। सिक्योर एंड इंस्टेंट पर्सनल लोन फॉर स्टूडेंट एंड सैलरीड पर्सन को मिल जाता है। यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं इस ऐप को। 7 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, 2 मिलियन सर्टिफाई कस्टमर्स हैं, 4+ स्टार रेटिंग है गूगल प्ले स्टोर पर। इंस्टेंट एंड ऑनलाइन पर्सनल लोन मिल जाता है, लो इंटरेस्ट रेट पर, क्विक अवेलेबिलिटी ऑफ कैश है, बेस्ट इंस्टेंट लोन ऐप है। यह लोन ऐप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। अब हम इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर में ओपन कर लेते हैं। यह गूगल प्ले स्टोर में ओपन हो चुका है mPokket इंस्टेंट लोन ऐप। 4.4 रेटिंग है, 9 लाख रिव्यूज है, 20 MB का ऐप है, 1 करोड़ प्लस डाउनलोड्स है। इस लोन ऐप में स्टूडेंट एंड सैलरीड पर्सन को लोन मिल जाता है। अगर लोन अमाउंट की बात करें तो 500 रुपये से स्टार्ट होकर 30,000 रुपये तक का लोन मिल जाता है सिर्फ 5 मिनट में। 1.5 करोड़ इंडियंस ट्रस्ट करते हैं इस लोन ऐप पर। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 0% से लेकर 4% पर मंथ पे करना होता है। टेन्योर की बात करें तो 61 दिन से लेकर 120 दिन का टेन्योर मिल जाता है। ये की फीचर्स दिए गए हैं। इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑफ अप टू 30,000, कैश ट्रांसफ़र टू बैंक, पेटीएम अकाउंट, कैश लोन इन 2 मिनट्स, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन मिल जाता है, रीपे इन 4 मंथ, रिवॉर्ड्स फॉर टाइमली रीपेमेंट्स, अगर टाइम पर रीपेमेंट करते हैं तो रिवॉर्ड्स भी मिल जाते हैं। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक पे करने होते हैं, प्लस 18% GST। एग्जाम्पल देकर भी समझाया। लोन अमाउंट 2,000 रुपये, टेनर 3 मंथ के लिए, इंटरेस्ट रेट 24% पर एनुअल है, तो प्रोसेसिंग फीस पे करनी होगी 200 रुपये, GST प्लस होगी 36 रुपये, टोटल इंटरेस्ट पे करना होगा 120 रुपये, टोटल जो लोन अमाउंट अकाउंट में आएगा 2,000 रुपये और टोटल जो रिपेमेंट करनी होगी 2,356 रुपये। इस लोन ऐप में RBI रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के द्वारा लोन मिलता है। mPokket फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इसकी कंपनी का नाम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो स्टूडेंट को भी लोन मिल जाता है, कॉलेज स्टूडेंट को, सैलरीड को गेट ए पर्सन लोन एट होम सैलरी 9,000, सैलरीड पर्सन के लिए कम से कम 9,000 महीने का कमाने वाला होना चाहिए, उसको लोन मिल जाता है। अगर एज की बात करें तो 18 साल वालों के भी यहाँ से लोन मिल जाता है। कम एज वालों के लिए बहुत ही बेस्ट लोन ऐप है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो कॉलेज ID कार्ड फॉर स्टूडेंट्स, लास्ट 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पैन कार्ड, KYC डिटेल्स। एक कस्टमर सपोर्ट में ईमेल ID दी गई है, वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। अगर ऐप के लास्ट अपडेट की बात करें तो 8 फरवरी 2023 का लास्ट अपडेट है। ऐप परमिशन के बारे में भी जान लेते हैं। यह लोन ऐप कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन, टेलीफोन, SMS, स्टोरेज, अदरस में कई प्रकार की परमिशन लेता है। अब हम कुछ रिव्यूज भी रीड कर लेते हैं। ये 24 फरवरी 2023 का रिव्यूज है आकाश शर्मा का। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, माई क्रेडिट लिमिटेड वाज 19,000 यूज 18,500 बट देयर वाज वन रेपेमेंट विच आई पेड ऑन द टाइम एंड आल्सो पेड फ्यूचर पेमेंट्स ऑफ 3,000 इन एडवांस एंड देन बूम दे रिक्रेस्ट माई क्रेडिट लिमिटेड बाई 3,000। आई ऑलवेज पे देयर लोन अमाउंट ऑन टाइम and also never raised issue anything then to they are not giving their customer the good service। खराब एक्सपीरियंस बताते हैं कि क्रेडिट लिमिट 19,000 रुपये थी और यूज करते हैं 18,500 रुपये, लेकिन टाइम पर रीपेमेंट करते हैं और 3,000 रुपये एडवांस में पे कर देते हैं, लेकिन फिर भी इनकी क्रेडिट लिमिटेड डिक्रेस्ट हो जाती है 3,000 रुपये। ये हमेशा लोन अमाउंट टाइम पर पे करते हैं, कोई भी इशू नहीं करते हैं इस लोन ऐप पर, तब भी ये लोन ऐप कस्टमर को गुड सर्विस नहीं देते हैं। बहुत ही खराब एक्सपीरियंस बता रहे हैं इस लोन ऐप का। दोस्तों ये था mPokket लोन ऐप का डिटेल रिव्यू। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में दी जानकारी आपके काम आएगी। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।